अखिलेश यादव का तंज कि हमारे मुख्यमंत्री पहले ही चले गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं बताना चाहूंगा, मेरे साथ यहां पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ अमोद जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। अशोक वानखेड़े सर, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आपको यहां पर हमारे एक और संवाददाता दिखाई दे रहे हैं, कुमार विक्रांत, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक क्विक रिएक्शन यहां पर लेने से पहले आपको एक और बड़ी खबर बता दें, एसपी में शामिल होते ही स्वामी प्रसाद का बीजेपी पर बड़ा हमला। मैं अखिलेश के साथ बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। बीजेपी के परखच्चे उड़ेंगे, हिंद महासागर में चली जाएगी, मौर्य ने कहा। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहा, सीधे प्ले ऑन करें। 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूर्व उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के परखच्चे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा, तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। अब सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ अशोक वानखेड़े मौजूद हैं। सर आपसे शुरुआत कर रहा हूं, ये जो दो तस्वीरें आई, एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर गरज रहे हैं, एक एक चर्चा चल रही है और मैं आपसे इस पे एक डायरेक्ट एनालिसिस चाहता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अभी भी इनका जलवा बरकरार है और ही इज वे पास्ट हिज प्राइम, क्या अभी भी इनका जो रुबाब है वो बरकरार है, या अब ये मतलब कहा जाए कि चलता हुआ मामला है सब? नहीं, रुतबा तो बरकरार है, नेता है, और वही कारण है कि उनका रुतबा था, इसलिए बीजेपी ने उनको पास लिया था। अभी तक बीजेपी, यदि उन्होंने देवी हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के बाद भी बीजेपी उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखी, इसीलिए कि उनका जलवा था। अब उन्होंने क्या छोड़ा और अब जलवा कितना बरकरार है, ये तो मुझे लगता है मतदान के बाद ही पता पड़ेगा, क्योंकि हर नेता बोलता है कि मेरा रुतबा है, और जब जो पार्टी जिसको लेती है वो कहती है कि ये बहुत बड़े ताकतवर नेता है, और जिस पार्टी को छोड़ के जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ये फूका कारतूस था। ये डायलॉग जो है हम कई सालों से लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन तय करती है कौन है क्या है। तो मुझे लगता है कि यदि जिस हिसाब से वो भगदड़ मची है, और भगदड़ मचने के बाद भी कांग्रेस अभी भी अटैक के मूड, बीजेपी अभी भी अटैक के मूड में नहीं है। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने जो एक ट्वीट किया था वो ट्वीट डिलीट करवाया गया, तो बीजेपी आज भी मौर्य समाज को कहीं ना कहीं दुखी, मतलब डायरेक्ट अटैक करने के मूड में नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पे भी डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने केशव प्रसाद मौर्य पे कोई अटैक नहीं किया, केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य को पुनर्विचार करना चाहिए, वापस आना चाहिए, इस बात इस मोड में बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जो ज्यादातर जो पिछड़े और जो ओबीसी नेता छोड़ के जा रहे हैं, ये चिंता का विषय तो है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा अशोक सर, एक तरफ ये छोड़ के जा रहे हैं, आग उगल रहे हैं जमकर, दूसरी तरफ इनकी बिटिया बीजेपी से सांसद है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा अक्सर होता रहा है, एक ही फैमिली से दो अलग अलग मैसेज नहीं जाएंगे क्या जनता में, और जनता को हम इग्नोरेंट नहीं समझ सकते? नहीं, जनता को इग्नोरेंट नहीं समझ सकते, लेकिन ये ऐसा कई बार हुआ है। राजमाता सिंधिया बीजेपी, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मैसेज क्या नहीं जाएगा दोनों में। नहीं, जनता बेटी पिताजी के भरोसे है कि बाप बेटी के भरोसे है, ये तय होगा। एक मैसेज ये भी जा रहा है कि माता, देखिए एक सेकंड अशोक सर, आपको सॉरी मैं रोक रहा हूं, मैं आपसे फिर से अपना सवाल ज्यादा क्लैरिटी से पूछना चाह रहा हूं। देखिए, एक तो वो बात हो गई जो आपने कही, अच्छा लगता है अखबारों में पढ़ने में, और इट्स अ गुड लाइन कि कौन किसके भरोसे, बहुत बढ़िया लाइन है, लेकिन एक बात हो गई परसेप्शन की, क्या परसेप्शन इसमें यह नहीं जा रहा है, और ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कि पिता जो है वो अपॉर्चुनिस्ट है या बेटी वो भी अपॉर्चुनिस्ट है, दोनों अपना हित साध रहे हैं, और ये बाद में पता लगेगा चलती किसकी ज्यादा है। ये निशान, मुझे लगता है कि हम जो मीडिया में बैठे हैं लोग, ये अपॉर्चुनिस्ट ये शब्द का उपयोग करते हैं, ये अवसरवादी अवसर देखते हैं, जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं वो कम्युनिटी क्या सोचती है, क्या अवसरवादी समझ के मायावती को, मायावती के जाटों ने डंप कर दिया, क्या अवसरवादी समझ के बाकी नेताओं ने डंप नहीं कर दिया, क्या जब वो बीएसपी से लेके बीजेपी में आए थे तब अवसरवादी नहीं थे,
तब समाज कैसा साथ में रहा। देखना यह है कि वो जो नेता है उसकी अपनी समाज के प्रति कितनी पकड़ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति ये जातियों में बटी हुई है। ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ। अशोक जी, आपने पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, ठीक है, यू मेड योर वैलिड पॉइंट है कि ये देखना है कि समाज पे पकड़ कितनी है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।